ये मैंने एक्रेलिक में किया हुआ एक स्कल्पचर पेंटिंग है। ये रेफरेंस मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। मैंने स्कल्पचर पेंटिंग बहुत सारे बनाए हैं, अलग अलग मीडियम में, एक्रेलिक, वाटर कलर और ऑयल कलर में भी। मुझे स्कल्पचर पेंट करना इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हर एक पार्ट के डायमेंशन बहुत अच्छे से दिखते हैं। जहाँ पे डीप कार्विंग है वहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क टोन दिखता है, जहाँ पे मीडियम कार्विंग होता है वहाँ पे मिडिल टोन दिखाई देता है, और लास्ट में हाईलाइट के टोन तो बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। और स्कल्पचर पेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, इससे हमारा ड्रॉइंग और फिगरेटिव स्टडी इम्प्रूव होता है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने पहले पेंसिल से ड्राइंग किया था और फिर उसी ड्राइंग को मैंने कलर में भी पेंट किया। पेंसिल में ड्राइंग होने के बाद हमें कलर में ड्रॉ करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, और इसके लिए जो कलर यूज किए थे वो थे ब्रांसेना और सैबग्रीन। इन दो कलर से मैंने अपने ड्राइंग को भी कलर में पेंट किया। ये दोनों सेमी ट्रांसपेरेंट कलर हैं। अक्सर मुझे लोग ये पूछते हैं कि पेंसिल में ड्राइंग होने के बाद उसे कलर में ड्रॉ क्यों करना चाहिए। तो उसका रीजन है कि हमारा ड्राइंग हमें लास्ट तक दिखना चाहिए, जो कि पेंसिल में पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि पेंसिल में ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर जब हम फर्स्ट कोट करते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, उसी टाइम पे वो पूरा का पूरा पेंसिल का ड्राइंग निकल जाता है और फिर हम अपने ड्राइंग को ढूंढते रह जाते हैं। इस पेंटिंग के लिए मैंने ब्रांड्स है ना, येलो ऑकर, अल्ट्रामरीन ब्लू और सैबग्रीन का यूज़ किया है। रिसेंटली मुझे एक व्यूअर ने मैं पेंटिंग के लिए कौन से कलर्स यूज करता हूँ ये दिखाने के लिए कमेंट किया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेरी पैलेट भी बता दी। तो इन सब कलर का यूज करके मैंने ये पेंटिंग बनाया है, और ऑफ कोर्स लास्ट में मैंने व्हाइट का भी यूज किया है। कलर में ड्रॉइंग होने के बाद अब बारी थी डार्क टोन को फिलअप करने की। ओपेक मीडियम में हमें डार्क टू लाइट जाना होता है, ये हर एक ओपेक मीडियम का रूल है। तो इसलिए पेंटिंग में जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा डार्क टोन दिखाई दे रहे थे, पहले मैंने वो फिलअप करके लिए। हमें पेंटिंग में डार्क टोन ऐड करने के लिए ब्लैक कलर का यूज नहीं करना होता है। अभी उसके कुछ अलग अलग रीजन भी है। सबसे पहला, मुझे लगता है कि ब्लैक कलर बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता। और दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन मतलब कि पेंटिंग में उस लेवल का डार्क कभी भी दिखाई नहीं देता जितना कि ब्लैक कलर होता है, और ब्लैक कलर के यूज से हमारी पेंटिंग बहुत बार डल भी दिखाई देती है। तो इसलिए ब्लैक का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमें अलग अलग कलर्स के टोन क्रिएट करना आना चाहिए, अलग अलग शेड्स क्रिएट करना आना चाहिए, और बस तभी हमारे पेंटिंग के कलर भी नेचुरल दिखाई देंगे। मैंने हर एक डार्क के पार्ट को अच्छे से देख के समझ के उसके बाद ही पेंट किया है। कहीं पे भी मैंने किसी भी पार्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो जैसा जिस इंटेंसिटी का डार्क है वहाँ पे मैंने वही डार्क लगाने का ट्राई किया है। और हर एक परफेक्ट डार्क टोन और शेप को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक से देखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बिना देखे ही काम करते रहते हैं, जबकि मैं अपने हर एक सेशन में बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन कितना जरूरी है, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन आप कभी भी अच्छा पेंटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ऑब्जर्वेशन की आदत होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं अभी भी डार्क टोन के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे डार्क टोन परफेक्ट नहीं आएंगे तब तक हम लाइट को अच्छे से पकड़ नहीं सकते। इसलिए रियलिस्टिक पेंटिंग में डार्क टोन को पकड़ना आना चाहिए, शेडोज को पकड़ना आना चाहिए, तभी हम अच्छे से लाइट भी क्रिएट कर पाते हैं। और इसलिए रियलिस्टिक पेंटिंग में शेडोज का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क और मिडिल टोन दिखाई दे रहे थे, मैंने पहले उसको अच्छे से पेंट किया। और जब ये डार्क टोन का काम फिनिश हो गया तो उसके बाद बारी थी मिडिल टोन की। जब हमारा डार्क टोन परफेक्ट आ जाता है तो फिर हमें मिडिल टोन लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो जब डार्क का पार्ट फिनिश हुआ तो उसके बाद मैंने मिडिल टोन भी ऐड कर दिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अभी शुरू में हमें व्हाइट का यूज नहीं करना है, बस अलग अलग टोन क्रिएट किए हैं जो कि स्टोन के कलर को दर्शाते हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने इसमें व्हाइट कलर ऐड किया लाइट और हाईलाइट को क्रिएट करने के लिए। तो व्हाइट कलर का यूज हमें सबसे लास्ट में करना होता है, यानी कि डार्क और मिडिल टोन क्रिएट करने के बाद सबसे लास्ट में हाईलाइट के लिए, या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है वहाँ पे ही हमें हाईलाइट के लिए व्हाइट का यूज करना होता है। अभी बहुत बार मैंने एक चीज नोटिस की कि लोग शुरू में ही व्हाइट का यूज करते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। हमें व्हाइट का यूज शुरू में बिल्कुल भी नहीं करना होता है। इस तरीके के सब्जेक्ट पेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है परफेक्ट ड्रॉइंग, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका ड्राइंग थोड़ा सा भी गलत हो गया तो फिर आपका पेंटिंग कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो हमारा पेंटिंग है वो पूरा का पूरा ड्राइंग के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और एक बात मैंने नोटिस की लोगों में कि जो लोग पेंटिंग सीख रहे हैं वो ड्राइंग अच्छे से किए बगैर कलरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा टाइम ड्राइंग के लिए देना होता है, और अगर आपको परफेक्ट ड्राइंग नहीं आता है तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए रोज स्केचेस करने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है कि उनका ड्राइंग वीक है, और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे खुद से तब तक हम कभी भी अपने ड्राइंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो डेली स्केचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें। तो अभी आप देख सकते हैं कि पेंटिंग कैसे धीरे धीरे अपना आकार ले रही है, और ऐसे सब्जेक्ट पेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पेशेंस के आप ऐसे सब्जेक्ट कभी भी पेंट नहीं कर सकते। बस यही सब्जेक्ट नहीं, आप बिना पेशेंस के कोई भी सब्जेक्ट पेंट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको अच्छा पेंटिंग करना है तो आपको पेशेंस डेवलप करने पड़ेंगे, और वो बस तभी डेवलप होगे जब आप रोज वर्क करोगे। जो लोग जेन्युइनली इस फील्ड में खुद को ग्रो करना चाहते हैं या फिर एज ए आर्टिस्ट
इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे आर्टिस्ट लोगों को हर रोज काम करना चाहिए। और यही मेरी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एडवाइस रहेगी। जब मैं कॉलेज में था तब ऐसा कोई भी दिन जाता नहीं था जिस दिन मैंने काम नहीं किया, और वही आदत मेरी आज तक बरकरार है, जिसके रिजल्ट मुझे काफी पॉजिटिव मिले उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी। जब तक हम कॉलेज में होते हैं तभी हमारे पास एक अच्छा चांस होता है खुद को ग्रो करने का, खुद को एज अ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट्स लेने का और जीतोड़ मेहनत करने का। तो जो भी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझ ले और आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करें। अभी पेंटिंग में जो डिटेल बाकी थी वो मैंने फिनिश की, और जहाँ पे फाइनल टचेस करना बाकी था वो भी कंप्लीट कर लिया। और जब ये पेंटिंग कंप्लीट हुआ तो उसके रिजल्ट ऐसे थे। आपको ये पेंटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और वैल्यूएबल टिप्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।